हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू ऑन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे पैरा जंबल को कैसे सॉल्व करना है। इसके दो स्टेप्स हमने देख लिए थे, स्टार्ट और फॉलो। थर्ड स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेप आता है स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर। सबसे पहले समझेंगे कॉमन फैक्टर होता क्या है। जब भी कोई दो सेंटेंसेस है, उन दोनों सेंटेंसेस में एक वर्ड जो है उन दोनों में कॉमन आ रहा है, वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं, और वो दोनों में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पी में भी आ रहा है और आर में भी आ रहा है, तो उन दोनों सेंटेंसेस को, पी और आर को, जनरली हम साथ में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको जो पी आर साथ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो वर्ड है ये दोनों में कॉमन है, इसको हम बोल रहे हैं कॉमन फैक्टर। क्लियर है? ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता क्यों है ऐसा? क्योंकि कोई भी पैराग्राफ होता है उसमें पहले किसी वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में उस वर्ड के बारे में या उस नाउन या जो फ्रेज है उसके बारे में आगे बात होती है, सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो इसलिए उन दोनों को हम साथ में अरेंज करते हैं, पास पास अरेंज करते हैं। क्लियर, समझ में आया? अब इसकी एप्लीकेशन जो है वही अपन जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 35 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। 36 जो क्वेश्चन सीजीएल 2010 में आया, इसमें मैं आपको एप्लीकेशन समझा रही हूँ कि कैसे कॉमन फैक्टर जो है वो क्वेश्चंस में अप्लाई होगा और उससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एज द गर्ल ग्रू अप शी बिकेम प्रीटियर एंड प्रीटियर। जैसे जो गर्ल है वो ग्रो हुई, बड़ी हुई, वो सुंदर होती चली गई। पी, शी बिगेन टू बी ट्रीटेड वर्स देन एनी सर्वेंट। सर्वेंट से भी ज्यादा बुरे तरीके से उसे ट्रीट किया गया। क्यू, आफ्टर हाउस होल्ड वर्क शी वुड स्लीप अमंग द सिंडर्स। घर के काम करने के बाद वो सिंडर्स में जाकर सो जाती थी। सिंडर्स बेसिकली जो कोयला है, जो वुड है, वो जलने के बाद में जो बच जाता है पार्ट, जो राख बोल सकते हैं हम उसको, कोयला जो है, लेकिन जो अभी जल नहीं रहा है लेकिन पार्टली जला हुआ है, उसके लिए जो है सिंडर वर्ड आता है। आर, एंड द प्रीटर शी बिकेम द मोर सिस्टर हेटेड हर। जितना ज्यादा वो सुंदर हो रही थी उतने ही उसकी सिस्टर उसे हेट कर रही थी। एस, शी वॉज कंपेल्ड टू ईट स्क्रैप्स ऑफ लेफ्ट ओवर्स। जो बचा कुचा था उसको खाने के लिए उसको कंपेल किया जाता था, फोर्स किया जाता था। सिक्स, दिस हैबिट अर्न हर द निक नेम सिंड्रेला। और इस हैबिट ने उसका नाम सिंड्रेला रख दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ पर जो है फर्स्ट सेंटेंस में आया है प्रीटियर एंड प्रीटियर। क्लियर, और दोबारा जो प्रीटियर है वो किस में आ रहा है स्टूडेंट्स, आर में आ रहा है। एंड द प्रीटियर शी बिकेम, यानी प्रीटियर जो है एंड प्रीटियर ये दोनों में कॉमन फैक्टर है। क्लियर, इसलिए जो सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए, आर से स्टार्ट होनी चाहिए, और आर से स्टार्ट करने का एक ही ऑप्शन है। ये एक तरीका हुआ, और उसके अलावा देखो, दिस हैबिट अर्न हर द निक नेम सिंड्रेला। इस हैबिट ने उसका निकनेम क्या रख दिया, सिंड्रेला। और सिंड्रेला में अगर बात की जाए तो सिंडर की बात किस में हो रही है, क्यू में हो रही है, कि वो घर के काम करने के बाद में सिंडर्स में जाकर सो रही है। और इस हैबिट ने, दिस जो डिटरमिनर यहाँ आया है, मैंने फॉलो में आपको समझाया था दिस दैट दीज दोज जो डिटरमिनर होते हैं, तो यहाँ पर जो दिस डिटरमिनर आया है वो किसकी, कौन सी हैबिट, जो उसकी हैबिट है घर के काम करने के बाद सिंडर में जाके सोने की, दिस हैबिट अर्न द निकनेम सिंड्रेला। यानी कि क्यू जो है वो क्या आएगा, लास्ट में आएगा, और क्यू लास्ट में भी एक ही ऑप्शन में आ रहा है। आर से स्टार्ट होने वाला भी एक सेंटेंस है, क्यू से एंड होने वाला भी एक ही, सॉरी सेंटेंस नहीं, आर से स्टार्ट होने वाला भी एक ही ऑप्शन है और क्यू पे एंड होने वाला भी एक ही ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, आर, पी, एस और क्यू। और पूरा अगर हम इसको पढ़ते हैं तो भी बहुत पूरा भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे देखो, जो गर्ल है वो जैसे बड़ी होती गई प्रीटियर हो गई, और जितना प्रीटियर हुई, आर से हमने देखा जितना वो प्रीटियर हुई उतना ही उसकी सिस्टर उससे हेट करने लगी। पी, शी बिगेन टू बी ट्रीटेड वर्स देन एनी सर्वेंट, उसको सर्वेंट से भी ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया गया। शी वॉज कंपेल्ड टू ईट स्क्रैप्स ऑफ लेफ्ट ओवर, बचा कुछ खाने के लिए फोर्स किया गया। क्यू, आफ्टर द हाउस होल्ड वर्क शी वुड स्लीप अमंग द सिंडर्स, काम करने के बाद सिंडर्स में जाकर सो रही थी। और दिस हैबिट अर्न द निकनेम ऑफ सिंड्रेला। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर, पी, एस, क्यू। जल्दी कैसे करना था, हमने देखा प्रीटियर प्रीटियर कॉमन फैक्टर है, आर से स्टार्ट होगा, सिंडर सिंड्रेला कॉमन फैक्टर है, क्यू पे एंड होगा। ऑप्शंस पे गए, देखा आर से स्टार्ट होने का भी एक ही ऑप्शन है और क्यू पे एंड होने का भी एक ही ऑप्शन है। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Brainstorming requires a focus question that is clear and unambiguous. Brainstorming के लिए हमें clear जो unambiguous मतलब जो clear नहीं होता है, ठीक है? P, one strategy to implement a brainstorm would be to write down the question. Question को लिखने की बात कर रहा है. Q, in fact, participant must be encouraged to suggest any response, however strange. Participant को encourage किया जाना चाहिए किसी भी response के लिए. R, it is important that no value be attached to the response at this stage. ठीक है. S, participant can then document near the question the responses from the group. Document कर सकते हैं. 6, the aim would be to allow individual ideas to spark off each other. अब इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद हमें जो कॉन्सेप्ट अभी सीखना है वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर की बात की जाए तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में ब्रेनस्टॉर्मिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और दोबारा ब्रेनस्टॉर्म की बात किस में हो रही है? पी में हो रही है. फर्स्ट सेंटेंस में ब्रेनस्टॉर्मिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, पी में दोबारा ब्रेनस्टॉर्म की बात हो रही है. इट मींस फर्स्ट और पी में कॉमन फैक्टर हो गया ब्रेनस्टॉर्म. इट मींस सीक्वेंस जो है वो किससे स्टार्ट होगी? पी से स्टार्ट होगी. ठीक है, पी से स्टार्ट होने का देखेंगे एक ही ऑप्शन है. क्लियर है? फिर भी हम इसको पूरा चेक करेंगे. इसमें एक कॉमन फैक्टर नहीं, और भी बहुत सारे कॉमन फैक्टर हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले ब्रेनस्टॉर्म की बात फर्स्ट में हुई, फिर पी में ब्रेनस्टॉर्म की बात हुई और उसमें क्वेश्चन लिखने की बात हुई. क्वेश्चन की बात हुई, फिर दोबारा क्वेश्चन की बात देखो किसमें हो रही है? किसमें हो रही है? एस में हो रही है. यानी क्वेश्चन भी क्या हो गया? कॉमन फैक्टर. इट मींस पी के बाद में क्या आएगा? एस आएगा. ठीक है, यहां पर क्वेश्चन टू द क्वेश्चन द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ग्रुप. रेस्पॉन्स की बात हो रही है और दोबारा रेस्पॉन्स की बात देखो किसमें हो रही है? इट इज इंपॉर्टेंट नो वैल्यू टू बी टू द रेस्पॉन्सेज. यानी ये रेस्पॉन्सेज अगेन क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया. यानी पी के बाद में एस, एस के बाद में क्या आ गया? आर. क्लियर? और लास्ट में क्या बच जाएगा? क्यू. तो राइट आंसर क्या बना हमारा? पी, एस, आर और क्यू. क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो हमने सबसे पहले क्या किया, कॉमन फैक्टर में सबसे पहले बात हुई ब्रेनस्टॉर्मिंग की और दोबारा उसका आर्ग्यूमेंट किस में दिया गया? पी में दिया गया. एक ही ऑप्शन था जो पी से स्टार्ट हो रहा. पी में द क्वेश्चन आया, फिर अगेन एस में द क्वेश्चन आया, पी एस लिंक बना, एस में रेस्पॉन्स आया और आर में रेस्पॉन्स आया, एस आर लिंक बना. तो राइट आंसर क्या बन गया? पी एस आर क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये आपका सीडीएस 2016 का है. मैंने जो वीडियो बनाई है अभी जो आपको मैं सिखा रही हूँ इसमें मैंने सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस और मैं बैंक के भी आपको क्लोज टेस्ट भी और जंबल्ड भी करवाऊंगी. यहाँ पर मैंने सीडीएस के जो जंबल्ड है वो भी कवर किए हैं. स्टार्ट करते हैं. गुड मेमोरी इज सो कॉमन दैट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट पजेस इट एज एक्सेंट्रिक. एक्सेंट्रिक का मतलब होता है स्टूडेंट सन की. हम ये मानते हैं कि गुड मेमोरी, अच्छी मेमोरी अगर नहीं हो किसी पर्सन की तो उसको सन की कंसीडर किया जाता है. क्लियर? पी, आई हैव हर्ड ऑफ अ फादर हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन अ परएम्बुलेटर वाज टेम्प्टेड बाय द सनी मॉर्निंग टू पोज ऑन हिज जर्नी एंड स्लीप इन टू अ पब्लिक हाउस फॉर अ ग्लास ऑफ बियर. सेंटेंस ये बोलना चाहता है, एक फादर की बात कर रहा है जो अपने बेबी को परएम्बुलेटर में लेकर गया है और जो सनी मॉर्निंग से थोड़ा टेम्प्ट हो गया और जो है वो पब्लिक हाउस में चला गया एक ग्लास बियर के लिए. क्यू, अ लिटल लेटर हिज वाइफ हैड टू डू सम शॉपिंग विच टुक हर पास द पब्लिक हाउस वेयर टू हर हॉरर शी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी. कुछ देर बाद उसकी वाइफ भी वहीं से जा रही होती है और वो देखती है कि अपने बच्चे को, वो स्लीपिंग बेबी को वो देखती है. ठीक है, आर लीविंग द परएम्बुलेटर आउटसाइड ही डिसअपीयर्ड इनटू द ड्रिंक शॉप. परएम्बुलेटर को वो बाहर ही छोड़ देता है और ड्रिंक शॉप में चला जाता है. एस, इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड बिहेवियर शी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. अपने जो हस्बैंड के बिहेवियर से उसको गुस्सा आता है, एंग्री हो जाती है और उसको सबक सिखाना चाहती है. एस, शी व्हील्ड अवे द परएम्बुलेटर पिक्चरिंग टू हरसेल्फ अ टेरर व्हेन ही वुड कम आउट एंड फाइंड द बेबी गोन. वो अपने बच्चे को जो परएम्बुलेटर में होता है उसको लेकर चली जाती है ताकि उसका हस्बैंड जब आए तो उसको वो बेबी वहां नहीं मिले. क्लियर है? अब देखो, अगर आप
एग्जाम में इसको पूरा पढ़ने बैठते हो और पूरा ट्रांसलेट करने बैठोगे तो बहुत सारा टाइम आपका निकल जाएगा और आप जो कंपटीशन है उससे बाहर हो जाओगे। इसको कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर परम्बुलेटर की बात हुई है पी में और दोबारा परम्बुलेटर की बात किस में हो रही है, आर। इट मीन्स पी आर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर की वजह से क्या बन गया, एक लिंक बन गया। ठीक है, आर्टिकल में भी मैंने आपको एक चीज कराई थी फॉलो में, जब मैंने आर्टिकल आपको समझाया था, हम सभी जानते हैं कि इंडेफिनेट और डेफिनेट, पहली बार अगर किसी चीज के बारे में बात करनी है तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं और उसी के बारे में दोबारा बात करनी है तो हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। तो यहाँ पर अ परम्बुलेटर आया और यहाँ पर द परम्बुलेटर आया, इट मीन्स जो है पी पहले आएगा और आर बाद में आएगा क्योंकि यहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्लियर? तो यहाँ जो है सेंटेंस बोल रहा है कि वो जो है पब्लिक हाउस में चला गया ग्लास ऑफ बियर को लेकर और लीविंग द परम्बुलेटर आउटसाइड। तो पीआर जो लिंक है इन चारों में देखते हैं तो पीआर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी में है, पी आर क्यू एस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब इसमें मैं और भी आर्ग्यूमेंट्स देती हूँ आपको, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो ये हुआ जब हमने पीआर लिंक बनाया, पीआर लिंक एक ही में था आंसर। यहां देखो क्यू में आया हिज वाइफ और एस में आया है शी और सिक्स में भी आया है शी। ठीक है, यहां पर पहले पहले सेंटेंसेस में फर्स्ट पी और आर तीनों में सबसे पहले पर्सन ही की बात हुई, एक मैन की बात हुई। उसके बाद में ये बताया गया कि उसकी वाइफ, यहां पर हिज जो पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, जब हम पोजीशन के लिए हिज यूज करते हैं किसके लिए, मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, और फेमिनाइन जेंडर के लिए हम हर यूज करते हैं। तो हिज वाइफ, हिज जो आया है वो उस ही के लिए आया है जिस मैन ने बच्चे को बाहर छोड़ दिया है। यहाँ पर हमने वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाया और दोबारा जो वाइफ है वो एक फेमिनाइन जेंडर हो गया तो हमने शी यूज किया। इट मीन्स जो क्यू है वो पहले आएगा और एस क्यू के बाद आएगा। तो लिंक बन गया क्यू और एस, पी आर लिंक है क्यू एस, क्यू एस लिंक भी देखेंगे एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। क्लियर है? पूरा अगर पढ़े तो भी लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है कि मैन जो है वो बच्चे को लेकर बाहर जाता है, फिर वो बियर शॉप में चला जाता है, बच्चे को बाहर छोड़ देता है, उसकी वाइफ किसी काम से निकलती है जो क्यू में बोला गया है, उसको देखती है कि बच्चा बाहर है तो उसको गुस्सा आता है जो एस में बोला है, उसको सबक सिखाना चाहती है और लास्ट में उसको लेकर चली जाती है। क्लियर? तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या बन गए स्टूडेंट्स, पी आर क्यू एस। फास्ट कैसे करना था, पी में परम्बुलेटर है, आर में परम्बुलेटर है, कॉमन फैक्टर है, पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया ए आया, दोबारा बात की द आया, वाइफ को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया पोजीशन के साथ में क्यू पहले आएगा, फिर वाइफ के लिए यहाँ पर शी प्रोनाउन आया तो शी बाद में आएगा, लिंक बना क्यू एस और पी आर। राइट आंसर बन गया पी आर क्यू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The vegetable bin of my refrigerator contain an assortment of weird looking items. ये पैराग्राफ ये बोलना चाह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज जो है, उसमें जो वेजिटेबल बिन है उसमें जो है बहुत ही वियर्ड लुकिंग आइटम्स देखने को मिले हैं। जैसे ये पूरा अगर हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि कई बार क्या होता है कि हम कोई वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, हम उनको फ्रिज में रख देते हैं, किसी कारण से हमें बाहर जाना पड़ गया 10 दिन 15 दिन के लिए, या हम भूल गए जो वेजिटेबल्स हम लाए थे, तो वो वेजिटेबल्स जो है वेजिटेबल बिन में जो पड़ी हुई हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स, खराब हो जाती हैं, और जैसे जैसे वो खराब होती हैं उनकी शेप चेंज होती जाती है। तो उसके बारे में पूरा ये पैसेज जो बता रखा है, अब पढ़ते हैं इसको आगे। पी, द कैरेट्स ड्रॉप्ड इनटू यू शेप में बन गई है एज आई पिक देम अप विद द टिप्स ऑफ माय फिंगर्स। Q, to the right of the oranges was a bunch of carrots that had begun to sprout points, spikes and tendrils. Sprout अंकुरित हो गई है. R, near the carrots was a net bag of onions. एक onions का bag भी है. S, next to a shriveled white coated lemon were two oranges covered with blue fuzz. Shriveled मतलब dry हो जाना, सूख जाना. Each onion had sent curling shoots through the net until the whole thing resembled a mass of green spaghetti. मतलब जो अनियन है वो इतने पुराने हो गए हैं कि वो अंकुरित हो गए हैं और उनमें से जो ग्रीन ग्रीन कलर के जो अंकुरित होने के बाद में तो वो पूरा जो अनियन है वो ग्रीन स्पैगेटी में कन्वर्ट हो गया है, मास ऑफ ग्रीन स्पैगेटी। अब देखो, अब इस पैसेज में हमें जल्दी कैसे करना है, फिर मैं आपको कंप्लीट भी समझा दूंगी। जल्दी करने के लिए स्टूडेंट देखो, यहाँ सिक्स में आया है ईच अनियन,
ठीक है, ईच जो है वो एक डिटरमिनर है। डिटरमिनर का कॉन्सेप्ट मैंने सेकंड वीडियो में करवाया है फॉलो में, ठीक है, प्रोनाउन और डिटरमिनर आप वहां से इसको देख सकते हैं। और डिटरमिनर के बारे में, ग्रामर में एक डिटरमिनर की क्या एप्लीकेशन है उसके लिए मैं ग्रामर की वीडियो बनाऊंगी, वहां पर आप क्लियर देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को फॉलो करता है। सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं, उसके बारे में आगे बात करने के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। उसी तरह जैसे नाउन की बात हुई है, उस नाउन को और ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए, उसके बारे में पॉइंट करने के लिए, क्या है, कैसा है, पास है, दूर है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके लिए हम डिटरमिनर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ईच अनियन आया, ठीक है। अब अनियन की बात पहले इनमें से किसी ना किसी सेंटेंस में हो रही है, और वो सेंटेंस कौन सा है स्टूडेंट्स? आर में बोला गया नियर द कैरेट्स वाज अ नेट बैग ऑफ अनियंस। यहां पर एक बैग बताया है अनियंस का, और यहां बोला ईच अनियन, वहां बैग है जिसमें अनियन है, और यहाँ ईच अनियन, यानी अनियन अनियन दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया। पहले अनियन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर आगे ईच अनियन यूज किया गया। इट मीन्स जो सिक्वेंस है वो किस पे एंड होनी चाहिए? आर पे एंड होनी चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस स्टूडेंट्स किस पे एंड होगी? आर पे एंड होगी, और आर पे एंड होने का आप देख पा रहे होंगे चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन जो आपका आंसर हो गया। क्लियर है पूरा? अगर देखते हैं इसमें और भी कॉमन फैक्टर है, जैसे देखो सबसे पहले उसने बताया कि वियर्ड लुकिंग आइटम्स थे, एस से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टू ए श्रीवल व्हाइट कोटेड लेमन वर टू ऑरेंजेस, जो सूखे लेमन है उसके बाद में यहाँ बोल रहा है ऑरेंजेस थे। अब ऑरेंजेस को यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम ऑरेंजेस की बात हुई है, कॉमन फैक्टर में यही है, एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड जो दो सेंटेंसेस में कॉमन आते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सेकेंड सेंटेंस में उसके बारे में आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए उन दोनों को साथ में यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ऑरेंजेस की बात किस में हुई? एस में हुई। दोबारा ऑरेंजेस की बात किस में हो रही है? क्यू में हो रही है, और क्यू में इसके लिए यहां पर द ऑरेंजेस आया है, यानी कि लिंक क्या बन गया स्टूडेंट्स? एस, एस के बाद में क्यू, एस में ऑरेंजेस है, क्यू में अगेन ऑरेंजेस की बात की है। फिर आगे देखा टू द राइट ऑफ द ऑरेंज वाज ए बंच ऑफ कैरेट्स, यहाँ ऑरेंजेस को तो डिफाइन किया और कैरेट को इंट्रोड्यूस करवाया। कैरेट को इंट्रोड्यूस क्यू में करवाने के बाद में पी में बोला गया द कैरेट्स, यानी यहाँ तो हमने कैरेट को इंट्रोड्यूस कराया, फिर कैरेट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस में दी? पी में दी, तो यानी क्यू के बाद में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। क्लियर? तो सीक्वेंस क्या हुआ? एस क्यू पी, और लास्ट में क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? आर। यहाँ पर भी द कैरेट्स था कॉमन फैक्टर, और आर में भी कैरेट की बात हो रही है कि नेक्स्ट नियर द कैरेट्स, कैरेट्स के पास, यहाँ पर भी कैरेट्स की बात हो रही है, यहाँ भी कैरेट्स की बात हो रही है, सीक्वेंस क्या बना? एस क्यू पी आर। क्लियर है? गॉट माई पॉइंट? फिर से रिवाइज करवा देते हैं। देखो फास्ट करने के लिए सेकंड्स में करना था, तो हमने देखा है कि ईच अनियन आया है, तो अनियन कौन से में आ रखा है? आर में आ रखा है, यहाँ ईच अनियन आ रखा है, इट मींस अनियन अनियन दोनों में कॉमन फैक्टर है। सीक्वेंस जो है वो किस पे एंड होगी? आर पे एंड होगी, आर पे एंड होने का एक ही ऑप्शन था। क्लियर? फिर अगर आगे देखते हैं, एस से स्टार्ट किया, इस सीक्वेंस की बात करते हैं, तो एस में हमने देखा कि सबसे पहले क्या किया है? ऑरेंजेस को इंट्रोड्यूस करवाया है, फिर दोबारा ऑरेंजेस की बात क्यू में हुई है, क्यू में ऑरेंजेस की बात हुई है और इंट्रोड्यूस करवाया है कैरेट को, कैरेट की दोबारा बात हो रही है पी में, और दोबारा फिर हम कैरेट की बात कर रहे हैं आर में, इसलिए सीक्वेंस क्या बनी? एस क्यू पी आर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A few workmen came to cut down the tree. कुछ workmen जो है वो tree को cut करने के लिए आए हैं। P, it took them all morning. ठीक है। Q, they did not know what to do with the roots. Roots के साथ क्या करें? R, it was not an easy job to cut down such a huge tree. इतना आसान नहीं था इतने बड़े tree को काटना। S, they decided that the roots had to be dug out. रूट्स को जो है वो खोद निकालते हैं। सिक्स, एट लास्ट द ट्री वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में बोला गया है कि वर्कमैन जो है वो ट्री को कट करने के लिए आए, कट डाउन द ट्री। दोबारा कट डाउन की बात किस में हो रही है स्टूडेंट्स? आर में। कट डाउन सच अ ह्यूज ट्री, यानी कट डाउन जो है वो दोनों में क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। इट मीन्स जो सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होगी? आर से स्टार्ट होगी। आर से स्टार्ट होने के हमारे पास दो ऑप्शन है,
पी बी और सी, और दोनों में ही आर के बाद में पी आ रहा है। तो देखें, इट वॉज नॉट एन इजी जॉब, इजी जॉब नहीं था ट्री को काटना, इतने बड़े ट्री को काटना इजी जॉब नहीं था। इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, पूरा उनको मॉर्निंग लग गया इसको काटने के लिए। अब देखो ये कट डाउन दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया। क्यों मैं बोल रहा है, दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट्स। यहाँ पर रूट्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, और दोबारा रूट्स की बात कहाँ हो रही है, इसमें हो रही है। ठीक है, पहले रूट्स की बात किस में हो रही, क्यू में और एस में। क्यू पहले आएगा या एस पहले आएगा उसको भी समझेंगे। देखो क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है जिसमें एस पहले आया है, एक ऑप्शन है जिसमें क्यू पहले आया। ठीक है, अब ये बोल रहा है दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट्स, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि रूट्स के साथ में क्या किया जाए। एस दे डिसाइडेड दैट द रूट्स हैड टू बी डक आउट, और उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि रूट्स को खुद बाहर निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले उन क्यू आएगा एस आएगा इसको भी समझेंगे। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और बाद में उन्होंने डिसाइड किया, तो पहले जो समझ में नहीं आ रहा दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे क्या करना है, इसलिए क्यू आएगा, और बाद में हम डिसाइड कर चुके हैं तो क्या आएगा एस। तो लॉजिकल सिक्वेंस की बात की जाए तो क्यू पहले आएगा और एस बाद में आएगा। क्लियर है, तो क्यू पहले किस में आ रहा है, बी में, और एस आएगा बाद में। रूट्स रूट्स जो है वो दोनों कॉमन फैक्टर है, सीक्वेंस क्या बनेगी आर पी क्यू एस। और पूरा अगर हम पढ़ें तो पहले वो काटने के लिए आए, आर से स्टार्ट किया, इतना आसान जॉब नहीं था ट्री को काटना, पूरी जो मॉर्निंग लग गई उनको काटने में। क्यू उनको समझ नहीं आ रहा था रूट्स के साथ क्या किए, देन उन्होंने डिसाइड किया कि रूट्स को डक करना है, और डक करने के बाद में एट लास्ट द ट्री वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वन हु कैन फ्लाई काइट्स, चिल्ड्रन ही जो है वो काइट फ्लाइंग नहीं करते हैं भी। इन सम कंट्रीज लाइक मलेशिया देर आर काइट फेस्टिवल्स, मलेशिया कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर काइट फेस्टिवल्स होते हैं। क्यू दीज एक्सपर्ट्स आर मोस्टली अडल्ट एमेच्योर काइट फ्लायर्स, ठीक है। आर काइट फ्लाइंग इज अ गुड लेजर एक्टिविटी फॉर पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स के साथ में चिल्ड्रन के साथ में अच्छी एक्टिविटी है। एज सेल्फ डिजाइन काइट्स आर फ्लोन बाय एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग सच टाइम्स, ठीक है। सेइंग सम ऑफ देम प्ले म्यूजिक टू, हमने देखा। अब देखो इसमें अब अगेन कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स, किसकी बात हो रही है, काइट फ्लाइंग की बात हो रही है। दोबारा फ्लाई काइट की बात किस में हो रही है, आर में, ठीक है। इट मींस जो सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए, आर से स्टार्ट होनी चाहिए, और आर से स्टार्ट होने का एक ही ऑप्शन है, ये एक हिंट हुआ। इसके अलावा देखो मैं आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे हिंट्स बताऊंगी, ठीक है। जितने ज्यादा आपके पास में हिंट्स होंगे उतने ही आप अपने आंसर के लिए श्योर हो जाएंगे, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर काइट फ्लाइंग की बात हुई, दोबारा काइट फ्लाइंग की बात आर में हो रही है, यानी सीक्वेंस आर से स्टार्ट होगा। अगेन अभी डिटर्मिनर की मैंने बात की थी, यहाँ क्यू में आया है दीज एक्सपर्ट्स, दीज एक्सपर्ट्स यानी पहले एक्सपर्ट्स की बात हुई है तभी दोबारा दीज एक्सपर्ट्स आ रहा है। एक्सपर्ट्स की बात किस में हो रही है स्टूडेंट्स, एस में हो रही है। इट मींस एस और क्यू, पहले एस आएगा देन क्या आएगा क्यू, एस क्यू क्या हो गया लिंक हो गया, एस क्यू लिंक जो है वो भी क्या है दो ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला गया पी में, इन सम कंट्रीज लाइक मलेशिया देयर आर काइट फेस्टिवल, मलेशिया कुछ कंट्रीज जहां काइट फेस्टिवल्स होते हैं, पी में बोला गया, और इसमें क्या बोला, सेल्फ डिजाइन काइट्स आर फ्लोन बाय एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग सच टाइम्स। तो ये जो सच टाइम्स आया है स्टूडेंट, सच टाइम्स ये किसके लिए आ रहा है, ये फेस्टिवल्स के लिए आ रहा है। इट मींस एस जो है वो पहले किससे लिंक है, पी से लिंक है। क्लियर, एस किससे लिंक है, पी से लिंक है। स्टार्ट किससे करना है, आर से करना है, स्टार्ट आर से करना है, लिंक हमें मिल गया पी एस क्यू। तो राइट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, आर पी एस और क्यू। क्लियर, समझ में आया, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले काइट फ्लाइंग की बात हो रही है फर्स्ट सेंटेंस में, दोबारा से बात हो रही है किसमें, आर में, आर में काइट फ्लाइंग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एस में स्टार्ट करेंगे किससे, आर से, एस में आया एक्सपर्ट्स, और इसी के लिए क्यू में क्या आया दीज एक्सपर्ट, यानी आर से स्टार्ट करेंगे, एस क्यू लिंक है,
ठीक है, और एस में जो आया है ड्यूरिंग सच टाइम्स, तो ड्यूरिंग सच टाइम्स किसकी बात कर रहा है, फेस्टिवल्स की बात कर रहा है, यानी एस किससे अटैच हो गया, पी से अटैच हो गया, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, आर पी एस और क्यू। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन है आपका, 41 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, 42 क्वेश्चन देख रहे हैं। मंडेला लेड द बैटल ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट स्लेवरी, स्लेव पहले भी ये वर्ड आया था, दास जो है, पी द वे वॉज फाइटिंग विद नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, लड़ने का तरीका क्या था, नॉन वायलेंस और ट्रुथ था, क्यू ही फॉट इन अ यूनिक वे, यूनिक तरीके से लड़े, आर दिस स्ट्रगल ब्रॉट द रेसिस्ट डाउन टू द ग्राउंड, रेसिस्ट को डाउन ग्राउंड पे ले आए वो, एस मैनी नेशंस गॉट देयर फ्रीडम इन दिस वे, इस वे में बहुत सारे नेशंस को फ्रीडम मिली, बट सम नेशंस स्टिल वुडंट गेट द डिजायर फ्रीडम, लेकिन कुछ नेशंस जो है उनको डिजायर फ्रीडम नहीं मिली है। क्लियर है, अब देखो यहां पर सबसे पहले मंडेला जो एक नाउन है, कौन सा नाउन है स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि जब भी हम किसी पर्सन के नाम की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है, और जनरली कोई भी पैसेज कोई भी पैराग्राफ है वो प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन से स्टार्ट होता है। क्लियर, अब देखो इसमें मंडेला की बात हुई है, ठीक है, प्रॉपर नाउन आया, अब नाउन के बाद में नाउन को फॉलो करने का काम कौन करता है स्टूडेंट, प्रोनाउन करता है, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन को कौन फॉलो करेगा, प्रोनाउन, पहले नाउन और उसके बाद में प्रोनाउन। क्लियर, अब देखो यहां पर कॉमन फैक्टर की भी बात कर लेते हैं, प्रोनाउन की भी बात कर लेते हैं, क्यू में आया है अ यूनिक वे और पी में आया द वे, दोनों में कॉमन फैक्टर है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा है, पहले ए इनडेफिनेट आर्टिकल आया और फिर जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द आ रहा है, इट मीन्स क्यू पहले आएगा और पी बाद में आएगा, क्यू में ही आया हुआ है प्रोनाउन, इट मीन्स स्टार्ट किससे करेंगे, क्यू से करेंगे और क्यू के बाद में क्या आ जाएगा, पी, ही फॉट इट इन अ यूनिक वे, वो यूनिक वे में लड़े, पी द वे वॉज फाइटिंग, अब फाइटिंग का फोर्ट और फाइटिंग भी कॉमन फैक्टर, तरीका क्या था, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, इट मीन्स सीक्वेंस जो है वो क्यू पी लिंक हो गया, क्यू से स्टार्ट होगी पी आएगा, एक ही ऑप्शन है, इवन क्यू पी भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है ए, ठीक है, और इसमें हिंट की बात करते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ मंडेला नाउन था, हमने ही ले लिया, ठीक है, सिक्स में देखो बट सम नेशंस स्टिल वुडंट, यहाँ बट जो भी है, बट हम कभी भी यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, कंजक्शन के रूप में किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, ठीक है, किसी आर्गुमेंट में हम कॉन्ट्राडिक्शन बताना चाहते हैं तो क्या यूज करते हैं, बट, अब देखो यहां बोला गया मैनी नेशंस गॉट देयर फ्रीडम इन दिस वे, ये जो वे था नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, इस वे से बहुत सारे नेशंस को फ्रीडम मिली, बट सम नेशंस, लेकिन कुछ नेशंस थे जिनको डिजायर्ड फ्रीडम नहीं मिली, यानी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कौन कर रहा है, सिक्स कर रहा है, इट मींस एस जो है वो किससे अटैच हो जाएगा, सिक्स से अटैच हो जाएगा, और हमारे आंसर में भी एस किससे अटैच हो रहा है, सिक्स से अटैच हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, पूरा हम पढ़ते हैं, मंडेला ने फ्रीडम स्टार्ट की, उसके बाद में ये यूनिक वे था, जो वे था वो नॉन वायलेंस और ट्रुथ था, दिस स्ट्रगल, जो स्ट्रगल की बात की है, दिस जो डिटरमिनर आया है, बोर्ड द रेसिस्ट डाउन टू द ग्राउंड, जो रेसिस्ट है वो ग्राउंड पे आ गए, ग्राउंड पे आए तभी तो जो नेशंस को क्या मिली, फ्रीडम मिली, लेकिन कुछ नेशंस जो है उनको अभी तक डिजायर फ्रीडम नहीं मिली है। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, क्यू पी आर और एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। फर्स्ट, रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड डिड नॉट अचीव इट्स ग्लोरी ऑल ऑफ अ सडन, मतलब रोम जो है एंशियंट वर्ल्ड की जो ग्रेटेस्ट सिटी है, इसको जो अचीव डिड नॉट अचीव, इसने जो अचीव किया ग्लोरी, जो सम्मान, जो चीजें हैं वो अचानक से नहीं हुई, सुंदरता की स्प्लेंडर की बात करें, कोई भी चीज होती है स्टूडेंट, चाहे वो सक्सेस हो, सिलेक्शन हो, कोई भी चीज हो, वो एक दिन में एक टाइम पे अचानक से नहीं होती है, उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट की जरूरत पड़ती है, हमें बार बार मेहनत करने की, लगातार मोटिवेटेड रहने की, हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है,
ठीक है, मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स करवा रही हूँ ये कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम ओरिएंटेड करवा रही हूँ, और आप अगर मेरे साथ में एक रेजोनेंस में आते हैं, मैं जो समझाना चाहती हूँ वो चीजें समझते हैं, तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे, क्लियर। लेकिन एक दिन में चीजें पॉसिबल नहीं है, आपको लगातार एफर्ट करने होंगे, ठीक है। जितनी मेहनत मैं आपको मैंने बुक्स बनाई हैं, जितनी मेहनत मैं इन पे कर रही हूँ, उतनी मेहनत अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और फिर भी आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी आपको सिखा रही हूँ, उन चीजों के अलावा भी अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, जो आपको जो प्रॉब्लम कर रही है वो भी मैं करवाऊंगी। आप जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आगे की जो वीडियोज होंगी उसमें मैं उन चीजों को इंक्लूड करूंगी, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका सिलेक्शन, और उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है, कंटिन्यू मेहनत करनी है, क्लियर है। चलो ठीक है। पी, द सेम इज ट्रू ऑफ एवरी ग्रेट अचीवमेंट। यही जो है वो किसी भी ग्रेट अचीवमेंट, यानी इंस्पेक्टर बनना भी अपने आप में ग्रेट अचीवमेंट है, इंस्पेक्टर है, बैंक पीओ, जो भी आप बनना चाहते हो एक अचीवमेंट आपकी लाइफ का, उसके लिए आपको लगातार लगातार हार्ड वर्क करने की जरूरत है, कंटिन्यूटीज की जरूरत है, रेगुलरिटी की जरूरत है, ठीक है। वी शुड कैरी ऑन आवर वर्क विद पेशेंस एंड परसिवरेंस, ठीक है। हमें अपना काम पेशेंस और परसिवरेंस से करते रहना चाहिए। इट टुक सेवरल इयर्स टू बिल्ड रोम एंड ब्रिंग इट टू द स्टेट ऑफ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। बहुत पॉम्प स्प्लेंडर के लिए बहुत साल लगे थे, एक टाइम एक दिन में नहीं हुआ, ठीक है। व्हेन वी विश टू डू अ ग्रेट थिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस इन अ मोमेंट। अगर हम अच्छा कुछ ग्रेट करना चाहते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सक्सेस को एक मोमेंट में, पॉसिबल नहीं है। अचीवमेंट ऑफ द ग्रेट मोमेंट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट पेशेंस, परसिवरेंस एंड अ कंसिडरेबल इंटरवेल ऑफ टाइम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में स्टूडेंट्स बात किसकी हो रही है, रोम की बात हो रही है, ठीक है। रोम की बात हो रही है, दोबारा रोम की बात, मैं कॉमन फैक्टर पढ़ा रही हूँ, कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। रोम की बात किस में हो रही है, आर में हो रही है। इट मींस जो सीक्वेंस है, इट मींस जो हमारा जंबल्ड है वो किससे स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, आर से स्टार्ट होगा, और आर से स्टार्ट होने का एक ही ऑप्शन। सेकेंड्स में सोल्व हो रहे हैं स्टूडेंट्स, पूरा भी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, इट टुक सेवरल इयर्स टू बिल्ड रोम, रोम की बात हुई, उसके बाद में द सेम इज ट्रू, द सेम ये किसके लिए आ रहा है, किसका सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट है, आर का, कि इतना किसी भी अचीवमेंट के लिए टाइम चाहिए, जैसे सर्वल इयर्स लगे थे, बहुत साल लगे थे रोम को बनने में, यही चीज का सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट किस में दे रहा है, पी में दे रहा है, क्लियर। फिर एस में बोल रहा है कि इतना हम जो सक्सेस है उसको एक मिनट में, हम ये सोचे एक मोमेंट में सक्सेस मिल जाए ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, पेशेंस और परसिवरेंस से काम करना चाहिए। पेशेंस और परसिवरेंस की बात क्यू में हो रही है, दोबारा पेशेंस और परसिवरेंस की बात किस में हो रही है, सिक्स में हो रही है। इट मीन्स जो है वो क्यू क्या आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक है। स्टार्ट किससे होगा, आर से होगा, एंडिंग किस पे होगी, क्यू पे होगी, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, आर पी एस और क्यू, क्लियर है।